देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट उकवा से। मायल हॉस्पिटल में लगाया गया सेकेंड डोज का टीका। पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमित बीमारी को रोकने के लिए कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसी के तहत बालाघाट जिले की मायल नगरी उकवा में 12 जून 2021 को मायल हॉस्पिटल उकवा में सेकेंड कोविड 19 का टीका लगाया गया, जिसमें डॉक्टर अमित कुमार सोनी के द्वारा ग्रामीणों को प्रथम एवं सेकेंड डोज कोविड 19 के टीके के बारे में लाभ बताते हुए कहा गया कि प्रथम डोज लगने के बाद शरीर में 80% प्रोटेक्शन रहता है। और भी आगे क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। आपके मायल हॉस्पिटल में ये जो कोविड 19 का सेकंड डोज लगाया जा रहा है, तो सर ये दोनों प्रथम और सेकंड डोज के बारे में आप थोड़े से इनकी जानकारी दे। देखिए, हमारे मायल हॉस्पिटल उकवा में अप्रैल से ये प्रोसेस चालू है, तो अप्रैल में अपन फर्स्ट डोज लगवाए जिसमें टोटल जो 551 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया जी। फिर उसके बाद जो था सेकंड डोज के लिए कैंप लगाया जी, तो अभी तक लगभग जो था 300 लोगों को वैक्सीनेशन सेकंड डोज के लिए कराया जा चुका जी। जो और रिमेनिंग है तभी और भी कैंप लगेंगे, इसके बाद हम 80+ वालों का जी वैक्सीनेशन चालू करेंगे जी। और मोबाइल जो है वैक्सीनेशन को लेकर बहुत अवेयर है और सारी चीज़ें जो है, और वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, सभी लोग कराना चाहिए। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और कोरोना के गवर्नमेंट गाइडलाइन को पालन करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और हमारा पूरा स्टाफ जो है इस चीज़ को भूखा लोगों को अवेयर कर रहा है जी, और उन्हें जो है कोरोना से बचने के लिए सारी शिक्षाएं दे रहे हैं जी। सर, आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर अमित सोनी, मेडिकल ऑफिसर उकवा में। थैंक यू सर।